हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रेस के चार सिद्धांतों के बारे में, यानी कि फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मास कम्युनिकेशन UGC नेट के अंदर इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार आते हैं, और अभी नवंबर 2017 में भी इसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये जो थ्योरी हमें करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों ये होता है कि ये जो थ्योरी है थोड़ी समझ में कम आती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बड़ी ही ध्यान से और आसानी से समझाएंगे इन थ्योरीज के बारे में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि प्रेस की जो चार सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उनके बारे में। दोस्तों ये सबसे पहली जो थ्योरी है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे हिंदी में कहते हैं अधिनायकवादी सिद्धांत और इंग्लिश में अथॉरिटेरियन थ्योरी, ठीक है। और अगली है उदारवादी सिद्धांत यानी कि लिबर्टेरियन थ्योरी। अगली है सोवियत कम्युनिस्टवादी सिद्धांत यानी कि कम्युनिस्ट थ्योरी है अगली। और उसके बाद में जो चौथी थ्योरी है सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा, तो हम मेन मेन जो चीज़ें वो ही पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहली थ्योरी आती है हमारी अधिनायकवादी सिद्धांत, और इसे प्रभुत्ववादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे अथॉरिटेरियन थ्योरी कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो मेन चीज़ अगर हम पढ़े तो, यानी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं होती कि वह अपने अनुसार कार्य करे, और उसे अधिनायक को राज्य के अनुसार कार्य करना होता है। यानी कि इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि प्रेस को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं होती, किसी भी आदमी को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं होती कि वो राज्य के खिलाफ कुछ बोल सके, ठीक है, उसे राज्य के अनुसार ही चलना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों यह प्रणाली हिगल की इस विचारधारा पर आधारित है कि राज्य के कामकाज में सभी व्यक्तियों की भागीदारी आपत्तिजनक और गैर जरूरी है। यानी कि ये क्या कहता है दोस्तों, ये जो थ्योरी है ये कहती है कि राज्य के जितने भी कामकाज होते हैं उसके अंदर केवल राज्य का राजा ही निर्णय ले सकता है, उसके अंदर लोगों की जो भागीदारी होती है वो आपत्तिजनक और गैर जरूरी होती है, ठीक है। और इसके बारे में और जो कहा था वो हम पढ़ते हैं, और क्या कहा गया था इसके बारे में। इसके अंदर देखिए इस विचारधारा के आधार स्तंभ यानी कि इस थ्योरी में जो मेन मेन पॉइंट वो क्या था, क्या थे कि एक राजा यानी कि पहले क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे। 15वीं शताब्दी के अधिनायकवादी पुनर्जागरण काल में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता था और वह ईश्वर के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करता था, ठीक है दोस्तों। चर्च मध्यकाल में रोमन चर्च को असाधारण अधिकार प्राप्त थे जिन्हें दैवीय स्वीकृति मिली हुई थी। इन अधिकारों को चुनौती देना किसी भी हालात में संभव नहीं था। राजनीतिक विचारधारा, प्लेटो और सुकरात का विचार था कि राज्य के पास पूरे अधिकार होने चाहिए। मैकियावली ने भी लिखा कि राज्य की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं माना जा सकता। इन विचारकों का मानना था कि राज्य अपनी सत्ता स्थापित करने और राज्य सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। और हिगल और हॉब्स ने इस विचारधारा का समर्थन किया। अब देखिए प्रेस की स्थिति उस टाइम क्या थी, राज्य पेटेंट और लाइसेंस के माध्यम से यह तय करने की कोशिश करता था कि किसे इस क्षेत्र में आने की इजाज़त दी जाती है और किसे नहीं, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जो नियंत्रण था दोस्तों इसके अंदर पूरा राजा के पास होता था, वो ही जो कुछ करता था वो ही सही होता था। प्रेस को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी और दैवीय जो शक्ति वगैरह थी उन्हें सर्वोपरि माना जाता था, ठीक है। और इस विचारधारा का जो समर्थन किया था प्लेटो और सुकरात ने किया था, और मैकियावली ने भी इसका समर्थन किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बुझा जा सकता है। और अब जो अगली थ्योरी जो आती है दोस्तों वो आती है हमारे पास उदारवादी सिद्धांत यानी कि लिबर्टेरियन थ्योरी। इसके अंदर क्या था दोस्तों, अधिनायकवादी विचारधारा के पतन और उदारवादी सिद्धांत के उदय की प्रक्रिया साथ साथ चली। यानी कि जो इससे पहले जो थ्योरी थी वो
और ये उदारवादी सिद्धांत, ये दोनों एक साथ चले थे, यानी कि वो थ्योरी खत्म हुई थी और इस थ्योरी का जन्म हुआ था। और इसमें जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये आया था यूजीसी नेट के अंदर, पश्चिमी यूरोप में हुई महान बौद्धिक क्रांति ने इस सिद्धांत को बल दिया, ठीक है। तो ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ होती है दोस्तों, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इन्हीं में से क्वेश्चन उठते हैं और हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया। अब देखिए, सुधारवादी आंदोलन ने चर्च की सत्ता को चुनौती दी तथा इस बारे में सार्वजनिक रूप से बहस शुरू हो गई, ठीक है। सुधारवादी आंदोलन उस टाइम चला था दोस्तों, उन्होंने चर्च की जो सत्ता थी उसे चुनौती दी थी और कहा था कि चर्च ही सब कुछ नहीं होता। उदारवादी सिद्धांत ने प्लेटो, मैकियावली और हॉब्स की विचारधारा को रद्द कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटो, मैकियावली और हॉब्स की विचारधारा को किसने रद्द कर दिया था, तो वो चार थ्योरी दे देंगे, तो उसके अंदर आपको उदारवादी सिद्धांत पे टिक करना है, यानी कि लिबर्टेरियन थ्योरी के ऊपर क्लिक करना है, टिक करना है। आगे इसने क्या कहा था दोस्तों, ज्ञान की विचारधारा को स्वीकृति मिली तथा उत्तराधिकारी और देवीय उद्घाटन की विचारधारा को नकार दिया गया, ठीक है। बौद्धिक क्रांति को चरित्र सेकुलर था, सॉरी सॉरी, बौद्धिक क्रांति का चरित्र सेकुलर था तथा उसने धार्मिक नीति शास्त्र को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। ये दोस्तों यही चीज़ें पूछी जाती है, थोड़ा ध्यान में रखना। धार्मिक नीति शास्त्र के स्थान पर वाणिज्य नीति शास्त्र आया और धर्म शास्त्र के स्थान पर विज्ञान और मिथक अनुभवों के स्थान पर तर्क को स्थान मिला, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इन्होंने धार्मिक नीति शास्त्र के स्थान पर वाणिज्य नीति शास्त्र आया, धर्म शास्त्र के स्थान पर विज्ञान आया, मिथक अनुभवों के स्थान पर तर्क को स्थान मिला, ठीक है। और इसके अंदर क्या था दोस्तों वो देखते हैं। जॉन मिल्टन ने यह कहकर उदारवादी सिद्धांत को मजबूती प्रदान की कि मनुष्य में इतनी बुद्धि और तर्कशील तर्क शक्ति होती है कि वह अच्छे और बुरे, सही और गलत, सच और झूठ में भेद कर सके, इसलिए सरकार को स्वयं यह काम करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये बात किसने कही थी, ये हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है। ये कही थी जॉन मिल्टन ने, यानी कि जो अच्छाई बुराई, सच गलत, बुरा सही, यानी कि इन सभी के अंदर भेदभाव है, वो आज का जो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार कर सकता है, इसलिए सरकार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और इसने क्या कहा था दोस्तों इस थ्योरी के अंदर, उदारवादी सिद्धांत के अंदर, जेफरसन के अनुसार प्रेस की भूमिका सरकार पर निगाह रखने की है, ठीक है। प्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विचारों का आदान प्रदान और वाद विवाद किया जा सकता है। यह प्रक्रिया तर्क पर आधारित है और सत्य तक पहुंचने में मदद करती है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा, उनका कहना था कि स्वतंत्र प्रेस ही लोगों को सच से अवगत कराने का काम करती है, ठीक है। दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये आपको ध्यान रखनी है और इन्हीं से क्वेश्चन उठते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ था, अगली जो थ्योरी है उसमें क्या हुआ था। अगली थ्योरी आती है दोस्तों साम्यवादी सिद्धांत, यानी कि कम्युनिस्ट थ्योरी आती है। इसके अंदर क्या कहा था, एक मिनट दोस्तों मैं आपको थोड़ा पीछे एक बात बता देता हूँ कि जैसे हमारी जो ये थ्योरी थी, अब देखिए साथ के साथ हम थोड़ा क्लियर करते चलते हैं। अधिनायकवादी सिद्धांत के अंदर तो कहा गया था कि सरकार ही सर्वोपरि होती है, जो राजा होता है वो ही सर्वोपरि होती है। उदारवादी सिद्धांत के अंदर क्या कहा गया था कि जो सरकार है वो सर्वोपरि नहीं होती और उसका जो प्रेस को है वो स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों थ्योरी हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, डिफरेंस हमें पता चल जाता है। अब आते हैं सोवियत कम्युनिस्टवादी सिद्धांत, यानी कि कम्युनिस्ट थ्योरी पे आते हैं हम, वो देखते हैं। ये देखिए साम्यवाद, कम्युनिस्ट थ्योरी, साम्यवादी सिद्धांत का उद्देश्य साम्यवादी विचारधारा के आधार पर हुआ था। यह सिद्धांत मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स तथा लेनिन और स्टालिन की विचारधारा पर आधारित है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, कार्ल मार्क्स, लेनिन और स्टालिन की विचारधारा पर कौन सा सिद्धांत आधारित है, तो इसका आंसर आएगा कम्युनिस्ट थ्योरी आएगा दोस्तों। अब देखते हैं, आगे देखते हैं हम,
अब देखिए, स्टालिन मार्क्स की विचारधारा से सहमत नहीं थे तथा उनका कहना था कि यदि विचारधारा को बचाए रखना है और उसे मजबूत बनाना है तो केंद्र सरकार और सैन्य प्रतिष्ठानों का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, कार्ल मार्क्स और स्टालिन के जो विचारधारा थी थोड़ी अलग थी। ठीक है, यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। मार्क्स के अनुसार प्रेस का मूल कार्य व्यक्ति और समाज के हित में समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार और विस्तार करना है। ठीक है, यानी कि प्रेस का कार्य क्या है, समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार और विस्तार करना है। जबकि स्टालिन का कहना था कि राज्य को पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए ताकि प्रेस ठीक ढंग से समाजवादी विचारधारा का प्रचार कर सके, प्रचार प्रसार कर सके। यानी कि स्टालिन तो कहते थे कि जो प्रेस के ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण राज्य का होना चाहिए ताकि वो समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सके। और आगे देखिए दोस्तों, लेकिन दोनों ही विचारक इस बात पर एकमत थे कि प्रेस के कार्य करने का तार्किक आधार सत्य की खोज करना नहीं बल्कि सामाजिक विचारधारा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। यानी कि ये जो थ्योरी है दोस्तों, ये थ्योरी कहती है कि जो प्रेस का जो मेन कार्य है वो समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको पता चल रहा है। इस सिद्धांत के तहत जन माध्यम सरकार के उपकरण तथा राज्य के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इन पर राज्य का नियंत्रण होता है तथा ये उसी के द्वारा संचालित होते हैं। यानी कि ये जो थ्योरी है दोस्तों, ये कुछ कुछ इस जो पहले वाली हमारी थ्योरी थी, उदारवादी सिद्धांत जो था, अथॉरिटेरियन थ्योरी थी, इससे मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे प्रेस का जो कार्य है वो ये आ जाता है दोस्तों कि सामाजिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। यहाँ पे प्रेस स्वतंत्र है लेकिन अच्छे से स्वतंत्र नहीं है, वो समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अब देखते हैं और इसमें क्या था। प्रेस के साम्यवादी सिद्धांत को सबसे पहले सोवियत संघ में अमल में लाया गया। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रेस के साम्यवादी सिद्धांत को सबसे पहले कहाँ पे अमल में लेके आया गया, सोवियत संघ के अंदर लाया गया। और इसके अंदर देखते हैं दोस्तों अगली जो थ्योरी है, और अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये मैं दोस्तों इसका मैं जो नोट्स है यानी कि जो फोटो वगैरह पीडीएफ फाइल है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए अगली देखते अगली थ्योरी क्या थी। अगली थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसके अंदर क्या था दोस्तों, इस सिद्धांत का उद्देश्य सॉरी उदय 20वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका में हुआ तथा इसका आधार उदारवादी सिद्धांत ही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी का जो बेस है, आधार है, वो क्या है दोस्तों, उदारवादी सिद्धांत है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यह सिद्धांत यूनेस्को के इस स्लोगन पर आधारित है, ये स्लोगन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और आगे क्या है इसके अनुसार, सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है, अपनी इच्छाओं को तथा स्वतंत्रताओं को न देखे बल्कि समाज के प्रति अपने जिम्मेदारी को समझ कर उसका निर्वाह करें। इस सिद्धांत के अनुसार प्रेस को जनता के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी होना चाहिए और जनता के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, यह सिद्धांत प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करता है किंतु इसमें अधिक बल जनता के प्रति प्रेस के उत्तरदायित्व पर रहता है, ये हमें याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी के दौरान ही हचिंस कमीशन आया था, ये 1948 के अंदर आया था दोस्तों, और ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि हचिंस कमीशन कब आया था, 1948 के अंदर आया था, और ये किससे संबंधित है, यह है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी से संबंधित है। इसका क्या कहना है दोस्तों कि ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख लेना दोस्तों।
नहीं तो वो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए, और दोस्तों आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए, और इसमें आपको जो भी कमी लगती है वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइए दोस्तों। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।